हाय फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ नवाबी सवाई। ये सवाई बहुत ज़्यादा रिच, डिलीशियस, क्रीमी एंड स्वाद में लाजवाब होता है। घर में सारे मेंबर को ये पसंद भी बहुत आता है। ये सवाई का एक एडवांटेज ये है, अब ज़्यादा क्वांटिटी में बना के ये स्टोर करके रख सकते हो। आपका जब ज़रूरत पड़े तब वो यूज़ कर सकते हो, या घर में कोई गेस्ट आ जाए तो फटाफट उनको सर्व भी कर सकते हो। थोड़ा सा सेवई उठा के मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ना, एकदम परफेक्ट बना है ये सेवई। चलिए हम लोग का भी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी का फास्ट प्रोसेस में हम लोग चलेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे देखिए सिमाई ले लिया, ये रोस्टेड है, शॉप में बारमासली के नाम से भी ये जाना जाता है। तो आप एक पैकेट लेके आइए, उसका मैं आधा यूज़ किया, ये 400 ग्राम्स का पैकेट था तो इसका मैं आधा ले लिया 200 ग्राम्स। तो इसको मैं अपने हाथों की मदद से प्रेस करते हुए छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ लूँगी। ये मैंने जो सिमाई लिया ना, इसका और एक पतला वाला वर्सन आता है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसी सिमाई के साथ आप ये नवाबी सिमाई रेसिपी बना सकते हो। देखिए सारे सिमाई को मैं अच्छा से यहाँ पे क्रश कर लिया। हम लोग अभी चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। उसके लिए कढ़ाई के अंदर मैं देसी घी ले लिया। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी ले लिया। आप चाहो तो ये बटर के साथ भी बना सकते हो, बट ऑयल में मत बनाइए, क्योंकि ऑयल में ये रेसिपी एकदम अच्छा नहीं लगता। सारे सिमाई को मैं घी के ऊपर डाल दूंगी और यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम लो करके रखिए। लो फ्लेम में 3 to 4 मिनट्स के लिए हम लोग इस सिमाई को रोस्ट कर लेंगे। जब भी आप सिमाई को भुनेंगे, मैं और एक बार मेंशन कर रही हूँ, गैस का फ्लेम एकदम लो करके रखिए। आफ्टर 3 to 4 मिनट्स के बाद मैं स्पैचुला में आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे सिमाई अच्छा से भुन गया है। तो इसी स्टेज में मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर दूंगी। मैं अभी इस सिवाई के अंदर 4 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी डाल दूंगी। आप चाहो तो नॉर्मली चीनी को डाल सकते हो, बट पीसी हुई चीनी आप डालेंगे तो देखना इसका कुकिंग प्रोसेस थोड़ा जल्दी होता है और जल्दी सिवाई के अंदर ये घुल जाता है। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ले लिया, इसको भी अभी सिवाई के अंदर डाल देंगे। अभी इन दोनों चीज़ों को मैं सिवाई के अंदर मिला लूँगी, बट गैस का फ्लेम यहाँ पे भी लो रखेंगे। ये मिल्क पाउडर एंड शुगर मेल्ट होने में आपका 2 to 3 मिनट्स तक टाइम लगेगा, बट गैस का फ्लेम यहाँ पे एकदम लो करके रखिए। देखिए दोनों चीज़ अच्छा से मिल गया है। मैं इस सिवाई के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया, ऐसे ही एज इट इज़ इसको रख दिया। मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छी तरीके से दोनों चीज़ मिल गया है। इस सिवाई को उठा के हम लोग अभी 2 सेपरेट बोल के अंदर रख लेंगे। मैं यहाँ पे 1/3 पोर्शन इस ट्रे के अंदर ले लिया, इसी में मैंने सारा चीज़ सेट करूँगी, और ये बोल के अंदर ले लिया ये ऊपर से डालने के लिए। जो सेवई को मैं ट्रे के अंदर रखा, एक स्पैचुला के मदद से उसको चारों ओर फैला लेंगे। अभी इस सेवई को हम लोग थोड़ा सेट करेंगे, तो कोई भी एक कटोरी या ग्लास के मदद से आप लोग ऐसे प्रेस करते जाइए, तो देखना थोड़ी देर बाद ये अच्छा से सेट हो जाएगा। मैं इस कटोरी के मदद से पूरा सेवई को अच्छा से सेट कर लिया। ये देखिए साइड से भी मैं दिखा रही हूँ, ये फर्स्ट लेयर हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अभी उसी कढ़ाई को अच्छा से क्लीन करके उसके अंदर मैं 1 लीटर दूध ले लूँगी। ये नॉर्मली काउ मिल्क है, आप चाहो तो फुल क्रीम मिल्क से भी ये सेवई बना सकते हो। हम लोग इस मिल्क को अभी बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही मिल्क बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके हम लोग इस मिल्क को थोड़ी सी रिड्यूस कर लेंगे। दूसरे साइड मैं सेपरेट बोल के अंदर और थोड़ा सा मिल्क ले लिया। अभी इस मिल्क के अंदर मैं 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाल दूंगी, ये वेनिला फ्लेवर का है।
कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद मैं इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी डाल दूंगी। सारी चीज डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। इस डिश को घर वाले इतने ज़्यादा पसंद करते हैं तो बार बार हमें बोलते रहते हैं ये डिश बनाने के लिए, तो महीने में एक या दो बार हम इसको बना लेते हैं, या घर में कोई गेस्ट आ जाए तब भी तो ये डिश बनना ही है। वैनिला एंड कॉर्नस्टार्च जो दूध के अंदर मिला रही थी वो अच्छे से मिक्स्ड हो गया। अभी मैं इसको लेके चलती हूँ कढ़ाई के पास। और कढ़ाई का मिल्क देखिए यहाँ पे अच्छा खासा रिड्यूस भी हो गया। अभी कढ़ाई में देखिए इतना मिल्क मैंने लिया था, अभी देखिए मिल्क इतना कम हो गया, मतलब 50% मिल्क यहाँ पे रिड्यूस हो गया। इसी स्टेज में मैं मिल्क के अंदर शुगर ऐड करूँगी। यहाँ पे देखिए मैं मिल्क मेड लिया, ये 200 ग्राम्स है, ये मिल्क के अंदर मैं मिलाऊँगी। आपके पास अगर ये अवेलेबल है तो मिलाइए, नहीं तो आप नॉर्मली चीनी भी ले सकते हो। आप अगर दूध के अंदर नॉर्मली चीनी ऐड कर रहे हो ना, तो उसी स्टेज में इस मिल्क के अंदर आप मिल्क पाउडर भी ऐड कीजिए, इसमें ये मिल्क थोड़ा थिक हो जाता है। मीठा डालने के बाद दूध थोड़ा पतला लगता है, तो इस स्टेज में और 2 मिनट तक दूध को बॉयल कर लीजिए। कस्टर्ड एंड कॉर्नफ्लावर का जो मैंने दूध के अंदर मिलाया था उसको और एक बार मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे दूध के अंदर डालेंगे। देखिए मैं एक हाथ से कस्टर्ड डाल रहा हूँ और दूसरे हाथ से अपने स्पैचुला घुमा रही हूँ। ऐसे ही करके हम लोग दूध के अंदर ये कस्टर्ड एंड कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। आप अगर पूरा कस्टर्ड एंड कॉर्नफ्लावर का घोल एकदम से दूध में मिला देंगे तो वो दूध के अंदर जाते ही गुठली बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसे डालेंगे तो धीरे धीरे ही डालिए। देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरीके से दोनों चीज़ मिक्स्ड हो गया। कस्टर्ड डालने के बाद दूध को और 2 मिनट तक हम पकाएंगे। अभी देखिए एक स्पैचुला में मैं ऐसी उंगली के मदद से लाइन टान रहा हूँ, तो अच्छी तरीके से वो लाइन हमें दिख रहा है। तो इसी स्टेज तक ही हमें दूध को पकाना है। अभी ये दूध रेडी हो गया, मैं अभी सेवई के अंदर ये पूरा दूध को डाल दूंगी। ये मिल्क को जब आप सेवई के अंदर डालेंगे तो सेवई एकदम अच्छी तरीके से कोट होना चाहिए। इस ट्रे का जितना भी कॉर्नर है सारे कॉर्नर को आप इस मिल्क से फिल कीजिए। देखिए अच्छा से आपको लेयर दिख रहा है, दोनों लेयर एकदम सेपरेटली हमें समझ में आ रहा है। तो इसी स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर थर्ड लेयर भी ऐड कर देंगे। जो मैंने सेवई को अलग से उठा के रखा था उसी सेवई को अभी इस स्टेज में स्प्रेड कर देंगे। देखिए अच्छा से मैंने सारे सेवई को इसके अंदर स्प्रेड कर दिया। अभी देखिए अपने हाथों को ऐसे हम लोग थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जैसे ऊपर का लेयर भी इवनली स्प्रेड हो जाए। हमारे सेकेंड लेयर में जो मिल्क एंड कस्टर्ड था उसको भी ये सेवई के अंदर पूरा ढक लिया। देखिए थर्ड लेयर भी हमें यहाँ पे अच्छा से दिखाई दे रहा है, तीनों लेयर यहाँ पे हमें अच्छा से नज़र आ रहा है। तो इसी स्टेज में मैं इसके अंदर काटी हुई कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। आप अपने पसंदीदा कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे काजू आलमंड्स एंड पिस्ता को अच्छा से स्प्रेड कर दिया। लग रहा है ना ये नवाबी सेवई। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपका वही लाइक मेरे मोटिवेशन को बढ़ा देता है। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये नवाबी सेवई बनाते हुए आपका जो भी अनुभव है नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग खुश रहिए, आनंद में रहिए। मैं मिलूंगी आपने कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।